वहाँ भी जाओ पिया की आज यहाँ पे स्पेशल स्क्रीनिंग है, आप लोग आए हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में और किस तरह की इसके बारे में क्या आपका जजमेंट है उसके बारे में बताइए। ये झारखंड की बड़ी ऐसी पहली फिल्म है जो पूरी तरह से पारिवारिक है, एक लंबे अंतराल के बाद इस तरह की मूवी बनी है जिसमें पूरा परिवार एक साथ इस मूवी को देख सकते हैं। एक साथ शूटिंग मूवी है और इस मूवी के माध्यम से झारखंड की कला और संस्कृति, झारखंड की प्रतियोगिता भी, झारखंड की खूबसूरती, झारखंड के वन एवं पर्यावरण और झारखंड के टूरिस्ट प्लेसेस को, झारखंड के ऐतिहासिक स्थलों को सिनेमा के माध्यम से एक्सपोज किया गया। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको लेकर, आपकी क्या ओपिनियन है? सर यह मूवी पारिवारिक के साथ साथ इसमें वर्तमान समय में जो एंटरटेनमेंट के सारे संसाधन होने चाहिए वो सारी कॉमेडी फाइट्स और सभी तरीके के सीन्स रखे गए। जिस तरीके से आज फिल्मों का दौर है कि लोग कुछ फिल्में पसंद करते हैं कुछ नहीं करते हैं और एक बाइकर का भी उसमें दौर चल चुका है, तो उसको लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि लोगों के दिमाग में मतलब किस तरह से आगे जाओ पिया का जो ये थीम है बसेगा और लोग इसे पसंद करेंगे? आगे जाओ पिया में एक इमोशन है, एक डेडिकेशन है, एक कमिटमेंट है और एक नॉलेज बेस्ड मूवी है। बिकॉज की हमारी फिल्म की स्टोरी लाइन ही है रिसर्च पर आधारित, क्योंकि एक्ट्रेस ने रिसर्च ही किया और कमिटमेंट इसके भी, हमारे फिल्म का जो एक्टर है वो कमिटमेंट करता है शहर में रहकर किसी गांव में आने का एक कमिटमेंट और चीज़ों को प्रमोट करने का जो कमिटमेंट उन्होंने लिया है फील करता है, इस कारण से लोगों को पसंद आ गई है। क्या ये कोई यूथ को कोई मैसेज दे रहा है, इसमें कोई ऐसा मैसेज है जो लोगों तक पहुँच रहा है? तो ये मैसेज जा रहा है इससे कि जो काम है जो हम लोग पढ़ाई शहर में करते हैं परंतु रोजगार की तलाश में शहर में जा जाते हैं और इसके माध्यम से हम लोग ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव में भी वाकाम किया जा सकता है परिवार के साथ रहकर। ठीक है सर, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सब लोग आए नीचे का बेस देने के लिए, एंड रियली एक्साइटेड आप ही जाओ भैया, बहुत टाइम से वेट हो रहा था इस फिल्म का एंड इस फर्स्ट टाइम मैं प्लेइंग अ सिंपल गाय, गाँव का छोरा बना हुआ है, बड़ा ही प्यारा सा इनोसेंट लव स्टोरी जिसके अंदर बहुत सारा रोमांस है, एक्शन है, कॉमेडी है, सारी चीज़ें हैं, लॉट ऑफ मैसेजेस हैं, मोरली अबाउट हाउ टू सेव अवर एनवायरनमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए हम लोग कॉन्क्रीट जंगल बनाते जा रहे हैं और हमारा जो रियल जंगल था, जो हमारे रियल प्राकृतिक सौंदर्य था उससे दूर होते जा रहे हैं, तो समहाउ थ्रू दिस फिल्म वी आर ट्राइंग टू गिव दैट मैसेज कि वी हैव टू बैलेंस बोथ द साइड्स सो दैट कोविड जैसी कोई भी अगर समस्या हमारे सामने आए तो हम लोग उससे भी इजीली दिस फिल्म इज ऑल अबाउट दैट। फिल्म की शूटिंग के दौरान उसमें क्या कुछ आपका मतलब केमिस्ट्री रहा हीरोइन के साथ, कुछ शेयर करना चाहेंगे जो बताना चाहे दर्शकों को? केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही, स्मृति कश्यप डेब्यूटेंट है, उन्होंने पहली बार बॉलीवुड में डेब्यू कर दिया इस फिल्म से एंड शी इज़ गोना फैबुलस जॉब, हमारे डायरेक्टर ने वर्कशॉप ली थी हमारे दोनों की और काफ़ी अच्छे से तैयार किया था उसको, मुझे लगा नहीं ड्यूरिंग द शूट के शी इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर अवर डेब्यूटेंट, शी प्लेड पार्ट कल्पना प्रीटी वेल और केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, आपको देखने को मिलेगी अभी मूवी के अंदर। आपकी जो बातें छोटी मोटी थी उसमें बताई थी और इससे पहले भी हमने काफ़ी कुछ बताया, आज यहाँ मौजूद ये सब और हमारे दो प्रोड्यूसर और हैं जो नहीं आ पाए हैं।
क्या कह सकते हैं अब देखिए, आप देखने के बाद जो ज़्यादा समय मिलते हैं
मजा आया जिस जगह पे हम लोगों ने शूटिंग किया था दरबार, और सबसे बड़ी बात है कि रांची मेरा जन्म स्थान है, इसलिए बहुत मजा आया वहाँ पर शूटिंग करके। और आपको सुना है कि मतलब झारखंड में ये I have just enjoyed the ups and downs or
कितना एक्साइट किया आपको? बहुत एक्साइट किया, एक सब फिर से बोलते ना जैसे कि स्कूल के अंदर सारी चीज़ें टेढ़ा करो ऐसे कैसे ऐसे ये ठीक है हाँ चलेगा सर। बहुत एक्साइटिंग है मेरे लिए क्योंकि ये पहली बार है कि मैं एक बहुत ही सिंपल सीधा साधा गांव का लड़का प्ले कर रहा हूँ, सुपर एम एन मॉडल कैरेक्टर, बट दिस टाइम ये बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है जो कि अपने शहर को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है और अपने शहर से दूसरे शहर जाता है और वहाँ से सीख के आता है स्किल्स और आगे अपने गाँव में इम्प्लीमेंट करता है। मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रही है और एट द सेम टाइम गाने बहुत प्यारे सिंगर्स के अंदर बहुत ही अच्छे सिंगर्स ने गाए हैं तो मैं चाहता था कोई अच्छे कोरियोग्राफर ये लोग पैर मार रहे हैं।
और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसके बाद और क्या है, 11 नवंबर को आ रही है आन फुली एंड कुलजीत सुनोत्रा जी डायरेक्टर हैं, इसमें मेरे साथ दिव्या दत्ता जी हैं, कुलदेव हैं और रमेशा भटनागर है। तो ये एक फिल्म जो भी आ रही है, इसके अलावा ग्राफी वेब सीरीज जो भी कमिंग आउट एंड कपल ऑफ मोर फिल्म जो फिनिश हो गई एंड आई विल बी शूटिंग इन 20 डेज आई विल बी शूटिंग इन कश्मीर अनाउंसमेंट।